राजधानी भोपाल में गणपति विसर्जन का दौर लगातार जारी है, लेकिन इस बार विसर्जन के बाद भी सभी घाट साफ सुथरे हैं। दरअसल इस बार तालाब में गणपति प्रतिमा के विसर्जन पर रोक लगाई गई है। छोटी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए कुंड बनाए गए हैं, जबकि बड़ी प्रतिमाओं का क्रेन से तालाबों में विसर्जन किया जा रहा है। पिछले दो दिनों में भोपाल में 7 घाटों पर हजारों प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा चुका है। भोपाल की महापौर मालती राय ने घाटों का दौरा किया और नियमों का पालन करने के लिए जनता और समितियों का आभार भी जताया। राजधानी भोपाल में बीते दो दिनों से गणेश विसर्जन का दौर जारी है। गणेश प्रतिमाओं को विसर्जित किया जा रहा है। भोपाल में कई घाटों पर गणेश जी की प्रतिमा के विसर्जन की जो व्यवस्था है वो नगर निगम प्रशासन के द्वारा की गई है और बड़ी मूर्तियों को क्रेन और जेसीबी के सहयोग से विसर्जित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। तालाब में किसी को भी जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है ताकि किसी भी तरीके के कोई हादसे ना हो। आप देख सकते हैं कि भोपाल में बड़े बड़े जो क्रेन्स हैं वो घाटों पर लगाए गए हैं। जो बड़ी झांकियां हैं उनको इन्हीं क्रेन्स की मदद से विसर्जित करने का काम जो है वो किया जा रहा है। एक तरफ जहां गणेश प्रतिमाएं लगातार हजारों की संख्या में पहुंच रही है, विसर्जन हो रहा है, और दूसरी तरफ लगातार जो नगर निगम का अमला है वो यहां पर मुस्तैद है और साफ सफाई और स्वच्छता की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखे हुए है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो मूर्तियां यहां पर अब तक विसर्जित हुई हैं उनका जो शेष उनकी जो सामग्री होती है उसको तुरंत तालाब से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें बांस होती है और अन्य चीजें होती हैं और इसके साथ ही जो विसर्जन का अलग अलग सामान होता है उसे तुरंत तालाब से बाहर निकाला जा रहा है ताकि स्वच्छता बनी रहे। और यही वजह है कि हजारों की संख्या में मूर्तियों के विसर्जित होने के बावजूद जो घाटों की साफ सफाई है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। भोपाल के 7 विसर्जन घाट बने हैं। 7 ही विसर्जन घाटों पर हमारे ADC और AHO बराबर जिम्मेदारी निभाकर और जनता को भी समझाया है कि निर्माल्य सामग्री नगर निगम ने जो अलग स्थान बनाया है उधर रखे, छोटे गणेश जियों को कुंड बनाया है उसमें विसर्जित करें और बड़ी झांकियों को जो किरण के द्वारा जाना है उनको अलग विसर्जित करें। इस तरह से नगर निगम की पूरी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित हमारे अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया है और भोपाल की जनता ने बहुत सारा सहयोग दिया है। उसी का रिजल्ट है कि अभी आप जिस घाट पर खड़े हुए हैं देखें, कल से लेकर आज तक हजारों की तादाद में यहाँ कर गणेश जी विसर्जित हो गए, लेकिन उसके बाद भी ये घाट साफ है। खंडवा में बप्पा की विदाई के वक्त बच्चे भावुक हो गए। दरअसल ओंकारेश्वर के बड़े चौक पर गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके बाद गणपति विसर्जन के दौरान बच्चे भावुक हो गए और प्रतिमा के विसर्जन के दौरान बच्चे रोने लगे। बच्चों ने रोते हुए बप्पा के गले लगकर उन्हें विदाई दी। गले लगकर बप्पा को विदाई दी गई और आप ये देखिए कि खासतौर पर जो मासूम बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं ऐसे क्षण में जब बप्पा की विदाई होती है। और यही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जब मासूम मासूम बच्चियां रोती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि देश के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जब छोटी बच्चियां फूट फूट कर रोने लगती हैं जब बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। गरियाबंद में एक नन्ही बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। गणेश विसर्जन के दौरान भावुक करने वाला ये वीडियो सामने आया है। ये बच्ची भगवान गणेश की प्रतिमा से लिपटकर रो रही है। ये बच्ची प्रतिमा का विसर्जन नहीं करने दे रही थी, बच्ची प्रतिमा को छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। बच्ची गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित नहीं करने की जिद कर रही थी। हालांकि उसके जो बड़ी बहन है, जो उसके पेरेंट्स हैं, उसे बहुत समझाते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मासूम नहीं मानती और बप्पा को पकड़ कर वो नहीं जाने की गुहार लगाती है। शिवपुरी में गणपति बप्पा की विदाई के दौरान माहौल भावुक हो गया। सोमेश्वर महादेव मंदिर में गणेश उत्सव का आयोजन किया गया था और आज बप्पा की विदाई के वक्त छोटे छोटे बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। शिवपुरी की तस्वीरें हैं आपके सामने जब गणपति विसर्जन के लिए छोटे मासूम बच्चे
रोते हुए नजर आए। देखिए बप्पा का विसर्जन किया जा रहा है और इस दौरान छोटी छोटी बच्चियां रोने लगती हैं। हालांकि उनके जो माता पिता उनको काफी शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ही भावुक ये पूरा पल इस दौरान देखने को मिलता है। क्या हो गया?